हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. सॉरी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया. सप्लीमेंट्री में हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. और मैंने बताया था कि वेन द किंग ऑफ उज्जैन ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट्स ऑर्डर्ड हिज पीपल टू हैव फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, एंड ऑन द फोर्थ डे ही वुड असेंड द थ्रोन. एंड वेन ऑन द फोर्थ डे वेन ही वॉज अबाउट टू असेंड द थ्रोन, वन ऑफ द एंजल्स आस्क्ड हिम इफ ही वॉज प्योर विद द हार्ट टू सीट ऑन द जजमेंट ऑफ सीट ऑफ द विक्रमादित्य. मैंने बताया था आपको कि जब राजा अपने लोगों से कहता है कि 3 दिनों तक उपवास करने के लिए, व्रत रहने के लिए, और चौथे दिन कहता है कि मैं इस पर बैठूंगा लोगों के सामने पब्लिकली, तो 3 दिन के बाद जब वो राजा सार्वजनिक रूप से बैठने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है सिंहासन पर, तो एक एंजल जो दूत थे पत्थर के बने हुए, उनमें से एक एंजल कहता है कि अरे राजा, क्या तुम इस कुर्सी पर बैठने के योग्य हो? क्या तुम पूरी तरीके से पवित्र हो? तो पहले तो राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर कहता है कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ. तब एंजल कहता है तब जाओ, उपवास रखो और 3 दिनों तक प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने आप को पवित्र बना सको और इस कुर्सी पर बैठने के योग्य बना सको. और इतने शब्दों के साथ जो एंजल्स था वह क्या करता है, उड़ जाता है. ठीक है, वो चला गया, उड़ करके चला जाता है आकाश में. तो क्या हुआ, तो एंजल्स जो था, एंजल की बातों को जब सुनता है राजा, तो राजा ने क्या किया, यहाँ से देखेंगे चौथे पॉइंट से. द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, द किंग, राजा ने प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, खुद को तैयार किया, स्वयं को तैयार किया. प्रिपेयर मतलब तैयार करना. द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने खुद को तैयार किया विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ, एंड विथ फास्टिंग, और उपवास के साथ. क्यों तैयार किया, टू कम अगेन, फिर आने के लिए, दोबारा आने के लिए, एंड सीट, और बैठने के लिए, कहाँ पे, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठने के लिए. ठीक है, इस तरीके से अपने आप को तैयार करता है प्रार्थना के लिए, 3 दिन उपवास रखने के लिए, ताकि वह जो कि इस कुर्सी पर बैठने के योग्य हो सके. बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर क्या हुआ, द सेम थिंग हैपेंड, ठीक वही घटना घटी, वही चीज़ घटी जो पहले घटी थी पहली बार, वही दूसरी बार भी होती है. बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर द सेम थिंग हैपेंड, ठीक वही चीज़ घटी. क्या हुआ, अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड, दूसरा जो पत्थर का बना हुआ दूत था, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, राजा से पूछा, इफ मीन्स कि क्या, ही हैड नेवर डिजायर्ड, कि क्या उसने कभी इच्छा नहीं की, डिजायर मतलब इच्छा करना, कि क्या उसने कभी इच्छा नहीं की, टू पजेस मीन्स पाने की, द रिचेज ऑफ द अदर्स, दूसरों की संपत्ति को, रिचेज मतलब धन दौलत संपत्ति. ठीक है, राजा से सवाल करता है दूसरा एंजल, क्या तुमने कभी भी दूसरों की धन दौलत, दूसरों की संपत्ति को पाने की इच्छा कभी नहीं की? द किंग एडमिटेड, तो राजा ने स्वीकार किया, एडमिट मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार किया, राजा ने स्वीकार किया, दैट मीन्स कि ही हैड डन सो, ऐसा कर चुका है. कैसा कर चुका है, लोगों की धन दौलत संपत्ति को पाने की इच्छा कर चुका है. उसके अंदर इच्छा थी, ऐसा वो कर चुका था. द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट मीन्स कि ही हैड डन सो, ऐसा कर चुका था, एंड देयरफोर, और इसलिए, देयरफोर मतलब इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था टू सीट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय की कुर्सी पर, इसलिए, देयर ही वॉज नो वर्दी, नॉट वर्दी, योग्य नहीं था टू सीट, बैठने के, कहाँ पे, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय की कुर्सी पर. ठीक, दूसरी बार भी वो बैठने के योग्य नहीं हुआ. इन दिस वे, इस प्रकार से,
मैनी भर में जब कभी द किंग ट्राइड राजा ने प्रयास किया टू ऑक्यूपाई द थ्रोन सिंहासन ग्रहण करने का, सिंहासन ग्रहण करने का। पहली बार वो ऐसे हुआ नहीं बैठ पाया, दूसरी बार भी नहीं बैठ पाया। इस तरीके से कई बार उसने प्रयास किया। कहता है इन दिस वे, इस प्रकार वेन ही भर द किंग ट्राइड, जब कभी राजा ने प्रयास किया टू ऑक्यूपाई द थ्रोन सिंहासन को ग्रहण करने का, ही वाज क्वेश्चन, तो उससे प्रश्न किया जाता था। क्या किया जाता था? ही वाज क्वेश्चन मीन्स उससे प्रश्न किया जाता था। किसके द्वारा? बाई एन एंजल, एक दूत के द्वारा। एंड ही हैड टू विड्रा, और उसे क्या होना पड़ता था? वापस होना पड़ता था। कहाँ से? सिंहासन से। हाँ, जैसे आगे की तरफ बढ़ता था फिर उसको पीछे की तरफ जाना पड़ता था। एंड ही हैड टू विड्रा, उसे वापस होना पड़ता था। दिस वेंट ऑन, ऐसा होता रहा, लगातार होता रहा, जारी रहा। टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक एक एंजल नहीं रह गया। मतलब जो 25 एंजल थे उसमें से 24 एंजल इसी तरीके से चले गए, सवाल करते उसका उत्तर देता और फिर वो चला जाता एंजल उड़ करके। ठीक है, तो एक बचा। तो कह रहा है कि दिस वेंट ऑन, ऐसा होता रहा, टिल वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक एक एंजल नहीं रह गया। जो सपोर्ट लगाया हुआ था द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के चबूतरे को जो सपने हाथ पर इस तरीके से ऊपर लिया हुआ था, स्लैब को, ठीक है, अपने हाथों पर लिया हुआ था। द किंग, जब एक रह गया एंजल तो राजा फिर जाता है। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, जो राजा था सिंहासन के पास गया। नियर मतलब पास। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया। कैसे गया? विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, है ना। विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, भरोसे के साथ। फार मींस क्योंकि, ही फेल्ट श्योर, वह आश्वस्त हो गया था। आ बींग अलाउड, आदेश पाने के लिए। टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान लेने के लिए। कहाँ पे? ऑन दैट डे, उस दिन उसको लगा कि उसको उसका स्थान मिल जाने के लिए या पाने के लिए उसको आदेश मिल जाएगा। हाँ, तो कह रहा है कि फार मीन्स क्योंकि, ही फेल्ट श्योर, उसने आश्वस्त, अपने आप को आश्वस्त महसूस किया। फार बींग अलाउड, आदेश पाने के लिए। टू टेक हिज प्लेस, अपने स्थान को पाने के लिए। दैट डे, उस दिन। लेकिन एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही केम नियर द सीट, वो सीट के पास आया। किसके? जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, तो कहता है बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, जो अंतिम एंजल जो था, अंतिम जो दूत था, जो मार्बल स्लैब को उठाया हुआ था, सपोर्ट किया हुआ था, स्पोक, बोला। क्या बोला? आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, ओ किंग। हाँ, कहता है ओ किंग, ए राजा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या आप पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, मन से पवित्र हैं? प्योर इन हार्ट मतलब मन से पवित्र, पूर्ण रूप से मन से पवित्र हैं, ओ किंग। हाँ, तो लास्ट एंजल पूछता है राजा से, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, ओ किंग, ए राजा, क्या आप पूरी तरह मन से पवित्र हैं? इज योर हार्ट एज प्योर, क्या आपका हृदय, आपका मन उतना ही पवित्र है? दैट ऑफ ए चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, जितना एक छोटे से बच्चे का होता है। राजा से सवाल करता है एंजल्स कि क्या आपका मन, आपका दिल उतना ही पवित्र है? दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, जितना एक छोटे बच्चे का होता है। इफ सो, यदि ऐसा है, मतलब यदि तुम्हारा मन उस बच्चे, छोटे बच्चे की तरह पवित्र है, तब यू आर इंडीड वर्दी, तब आप वास्तव में योग्य होंगे टू सीट, बैठने के लिए। ऑन हिज सीट, उनकी कुर्सी पर। किनकी कुर्सी पर? विक्रमादित्य की कुर्सी पर। तो राजा इस तरीके से कहता है नो, सेड द किंग वेरी स्लोली। तब राजा बहुत ही धीरे से होकर कहता है, धीरे से क्यों कहा? बिकॉज ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, वो बिल्कुल निराश हो गया था। तो कहता है नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा। फिर कहता है नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। मीन्स आई एम नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, मैं विक्रमादित्य की
कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ द एंजल, जब एंजल सुन लिया कि राजा पवित्र नहीं है, तब एंड एट दीज वर्ड्स इन्हीं शब्दों के साथ द एंजल्स, जो दूत था, फ्लू अप इन टू द स्काई, आकाश में उड़ गया। कैसे उड़ गया? बेरिंग द स्लैब, उस चबूतरे को लेकर के, कहाँ पे? अपान हिज हेड, अपने सिर पर। बियर मतलब ढोना, सिर पर ढोते हुए या सिर पर लेकर के आकाश में उड़ गया। ठीक है, लिखा है ना। एंड एट दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ द एंजल फ्लू अप इन टू द स्काई, जो दूत था आकाश में ऊपर की तरफ उड़ गया। बियरिंग द स्लैब, चबूतरे को ले जा करके, कहाँ पे? अपान हिज हेड, अपने सिर पर। दिस वॉज हाउ, यह वही बात है। हाउ मतलब जिस प्रकार से, द जजमेंट ऑफ विक्रमादित्य, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिस प्रकार से जो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य के जो न्याय की कुर्सी है, डिस अपीयर्ड, गायब हो गई। कहाँ से? फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। कब? फारी भर, हमेशा के लिए। हाँ, तो कहता दिस वॉज हाउ, या इसी इस प्रकार, हाँ, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी, डिस अपीयर्ड, गायब हो गई, फ्रॉम द अर्थ, इस पृथ्वी से, फॉरएवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए। इट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स फॉर टुडे, एंड टुमारो आई विल सेंड यू द नोट्स फ्रॉम द फर्स्ट लेसन, एंड यू विल राइट इट ऑन योर कॉपी। ठीक है, कल हम नोट्स भेजेंगे पहले लेसन से, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे दोनों लेसन, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।